अंशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया को लेकर कई बार अटकलें तेज हुई कि बीजेपी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। हालांकि अब तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि सिंधिया ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई भी चाह नहीं है। एमपी में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नजर आए, लेकिन सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि नए चेहरे को आगे किया गया। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसे में अब सिंधिया को लेकर अटकलें यही तेज हैं कि लोकसभा चुनाव वह लड़ते हुए देखे जा सकते हैं ग्वालियर से या फिर गुना शिवपुरी से। 2019 में सिंधिया ने चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया था गुना सीट से। अब सिंधिया को क्या जिम्मेदारी मिलेगी कि वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन अब सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि 22 जनवरी जो ऐतिहासिक दिन बन चुका है देश के लिए, क्योंकि 22 जनवरी के दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है और इस समारोह का हिस्सा कई दिग्गज नेताओं के साथ साथ कई फिल्मी हस्तियां तक बनी। ऐसे में देखा गया कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो निमंत्रण पत्र भेजा गया वो ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को बल्कि उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया को भी भेजा गया है। और सिंधिया सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि महाआर्यमन सिंधिया राम मंदिर पहुंचे, जी हाँ, इस समारोह का हिस्सा वह भी बने। तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में सिंधिया से सवाल पूछा गया उनके बेटे को लेकर, क्या कुछ कहते हैं सिंधिया सुनिए जरा। सौभाग्य है कि उनको ये अवसर प्रदान हुआ और मानता हूं कि जो व्यक्ति विकास और प्रगति में अपना योगदान देने का संकल्प है। राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया, जनता देश की जनता। आपने सुना कि सिंधिया साफ कह चुके हैं कि ये उनके बेटे के नसीब थे कि उन्हें निमंत्रण मिला और भगवान राम के दर्शन करके वह भी आए हैं। मालूम हो कि सिंधिया के बेटे को लेकर अब तक कई बार अटकलें तेज हुई हैं कि सिंधिया के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं, उन्हें भी बीजेपी की तरफ से टिकट मिल सकता है। लेकिन देखना होगा क्या यहाँ पर एक बड़ी कोशिश की शुरुआत हो चुकी है सिंधिया के बेटे के लिए, क्या यहाँ पर मेहरबानी एक वक्त के बाद देखी जा सकती है महाआर्यमन सिंधिया पर भी, ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।